मेरे प्यारों, क्या आनंद और खुशी के साथ रहते हैं? परमेश्वर का दास सीगन पाल के बारे में हमेशा हम लगातार अध्ययन करते चले आ रहे हैं ना। वो जिस वक्त में रहते थे वहां के जगह के म्यूजियम बनाए हैं। उस म्यूजियम में प्रिंटिंग मशीन के सामने से मैं आपसे प्रचार कर रहा हूं। 1712 में पहले हिंदुस्तान में प्रिंटिंग का मशीन उस जर्मन से सीगन पाल के द्वारा जो है हिंदुस्तान में लाया गया है। किस कारण से लाए हैं? परमेश्वर के लोग बाइबल के वचन को जानना है, इसलिए यहाँ के तमिल भाषा में बाइबल को अनुवाद करके तमिल लोगों को पढ़ने के लायक जो है काम करना है समझ के पहले इस प्रिंटिंग मशीन को उस जर्मन देश से उन्होंने ला के परमेश्वर की काम को बहुत ही त्याग पूर्वक उन्होंने किया। उस मशीन जो है पूरे लकड़ी से बनाया गया है। वहां जो आप देख रहे हैं पूरे पूरे लकड़ी से बनाकर उस देश से उस मशीन को लाए हैं। उन दिनों में एक एक अक्षरों को लकड़ी से खोद कर बना के एक स्तर में लाकर उनको एक एक पन्ना में पहले प्रिंटिंग किए हैं। सार सुसमाचार मत्ती मरकुस और लुका यूहन्ना की बातों को प्रिंट करके दिया है। कितने मेहनत से उन्होंने किया है। बाद में 1800 में ही जो है इस प्रकार की मेटल प्रिंटिंग यहाँ लाया गया है। उस प्रिंटिंग मशीन को यहाँ पर रखा हुआ है, देखिए। लेकिन वहां पर आप देख रहे हैं ना, वही पहले लाया गया मशीन है। किस कारण से उन्होंने इतना कठिन काम किया? इब्रानियों 4:12 कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। परमेश्वर का वचन में एक सामर्थ है और एक मन से इस वचन जो है बातें करता है। आप क्यों प्रतिदिन इस वाकविद जीसस प्रोग्राम को देखते हैं? परमेश्वर का वचन को हम इसलिए अध्ययन करते हैं, उसमें सामर्थ है, तसल्ली देता है, मन में शांति को देता है, बीमारी से परमेश्वर का वचन के द्वारा छुटकारा मिलता है। परमेश्वर का वचन में सामर्थ है। ये परमेश्वर का वचन मनुष्य के जीवन में काम करता है। बहुत बाइबल की वचन की तरीका और बहुत ही जो है और प्रकाशित किया गया है। आज भी 300 साल के पहले यदि आप अध्ययन करेंगे तो उन दिनों की बातों का ध्यान दीजिएगा। अक्षरों के बालू में लिखकर ये जो सीखते थे, मैं भी याद करता हूँ, मेरे पढ़ने के समय मैं भी इस प्रकार की बातों करता था। उसके बाद परिवर्तन हुआ है। जहाँ अक्षर नहीं था उसी वक्त में परमेश्वर का वचन सबके पास जाना है, इसलिए सीगन पाल ने इतना कठिन मेहनत की और बाइबल के वचन को प्रिंट करके उसी जमाने में सबको उन्होंने वितरण किया। पहले प्रिंटिंग मशीन को हिंदुस्तान में उन्होंने लाया था और पहले बार बाइबल के वचन को ही प्रिंट किया। हिंदुस्तान में पहले बार बाइबल प्रिंट हुआ है। इतनी बातों का कारण वो परमेश्वर का दास है। 300 साल के पहले उन्होंने यहाँ पर आया, कठिन मेहनत करके परमेश्वर के लिए उन्होंने सेवा की थी। उनकी सेवा की तुल्य करने समय मैं अपने आप को पूछता हूँ, मैं कुछ नहीं किया है। कारण इस जीवित परमेश्वर की बाइबल के वचन। ये परमेश्वर का वचन हमसे बातें करता है, इसलिए आप भी प्रतिदिन इस बाइबल के वचन को अध्ययन करना है। सिर्फ मेरे वचन को सुन के आप संतुष्ट नहीं होना, इस बाइबल के वचन के लिए परमेश्वर को हमेशा प्रभु को धन्यवाद देना। पिताजी, इस बाइबल के वचन को लाने के लिए तूने हमारे बीच में उस सेवक सीगन पाल को लाया है परमेश्वर, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु। हिंदुस्तानियों पर परमेश्वर इतना प्रेम किया है, अपने दास को लाके पहले बार पहले प्रिंटिंग करके पहले बाइबल के वचन को तू दिया है, इसलिए मैं आपको स्तुति करता हूँ प्रभु। इस वचन प्रतिदिन प्रभु हमसे बात करने के लिए हमेशा हम लोग अर्पण करते हैं। तू बात कर, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं पिता। आमीन, आमीन।